नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। मंगाराम को 25 साल बाद मिली अपनी जमीन पहाड़गंज, स्थित एक मकान पर हुई कुर्की की कार्रवाई। शकुर काबिस नामक व्यक्ति ने किया था कब्जा। पहाड़गंज में स्थित एक मकान पर आज कुर्की की कार्रवाई की गई। शकुर काबिस नामक एक व्यक्ति ने इस प्लॉट पर कब्जा कर लिया था, जो कि मंगाराम के पिता की थी। आज 25 साल बाद कोर्ट ने आदेश दिया और मंगाराम को उसका हक मिल गया। शकुर काबिस द्वारा वहाँ पर जो निर्माण किया गया तो उसे ध्वस्त किया गया और कब्जा मंगाराम को दे दिया गया। न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर द्वारा दिनांक 27/11/1992 को डिग्रीदार राणा जी को के पक्ष में ये आदेश हुआ था कि ये इस प्लॉट पे जो शकुर काबिज है अपना कब्जा राणा जी को दे दे। वे उन्होंने नहीं दिया, फिर इन्होंने 94 में इजराय लगाई और आज 25 साल बाद उस 94 के आदेश पे जो इन्होंने निर्माण कर लिया उसको ध्वस्त करके और ये राणा जी के पुत्र मंगाराम को कब्जा संभालाया जा रहा है। ये 25/64 का ये 92 में तो इसका आदेश हुआ था 27/11/1992 को राणा जी के पक्ष में, फिर आपत्तियां लगती रही और अब जाके 25/1/19 को ये फाइनल जारी हुआ है इस राय में आदेश कि भाई इसको कब्जा संभाला दिया जा रहा है। सर किसको संभाला है? ये राणा जी के पुत्र है मंगाराम जी। इसी दौरान राणा जी की मृत्यु हो गई तो फिर उनके पुत्र के मंगाराम जी को राजेश जैन नाजिर सेशन कोर्ट अजमेर। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने बलदेव नगर में नाली निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। विधायक कोष से लगाए 10 लाख रुपए, पार्षद प्रकाश मेहरा भी रहे उपस्थित। पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा आज वार्ड 58 में बलदेव नगर विधायक कोष की 10 लाख रुपए की लागत से नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर वार्ड पार्षद प्रकाश मेहरा क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे। जी बस साहब, आज वार्ड 58 में हमारे पार्षद प्रकाश मेहरा के आग्रह पर बलदेव नगर, करणी नगर और पायलट नगर, जहाँ पहले ही हमने सड़क का निर्माण तो किया था लेकिन नालियाँ टूटी हुई थी, क्षेत्रवासी परेशान थे। अगर तीनों नगरों की नालियाँ जो लगभग 800 मीटर लंबी हैं उसको विधायक कोष से लगभग 10 लाख की लागत से आज बनाने का हमने श्री गणेश किया है। तो क्या बहुत जल्दी नालियाँ बनेंगी, तब सड़क के साथ नालियों का निर्माण हो करके क्षेत्रवासियों को एक समस्याओं से स्थायी रूप से निजात मिलेगी। वैसे विकास का काम लगातार हम लोग अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, इसको हम जारी रखेंगे और अपने विधायक कोष से और निगम के प्रयत्नों से तो हम लगातार करते रहेंगे। साथ में इस सरकार पे भी दबाव डाल करके जनता की समस्याओं का समाधान हम करते रहेंगे। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज हमने एक दिन का PLV ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, जिसमें माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार जी भारवानी, जो अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, और माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भारत भूषण जी शर्मा साहब और एक हमारे माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मनीष जी ने इस जो इसका हमने उद्घाटन किया है, शुरुआत की है, इसकी विधिवत शुरुआत में सहभागी रहे, शरीक रहे और माननीय जिला एवं न्यायाधीश महोदय का अध्यक्षीय उद्बोधन रहा, जिसमें उन्होंने मूल रूप से ये कहा कि PLVs को आय पर ध्यान नहीं देना है, केवल समाज में जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनके लिए सेवा भावना उत्पन्न करके उनकी जितनी अधिक सेवा की जाए वो तभी उनका कार्य सार्थक है। ये भी बताया कि जिस प्रकार से एक कोई बीमार व्यक्ति होता है उसे विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ले जाना होता है, तो पर्टिकुलर जिस तरह की बीमारी है उसी तरह के डॉक्टर के पास, अर्थात समाज में जो उपेक्षित, शोषित और अशिक्षित वर्ग है
जिसे कानून की जानकारी नहीं है उस तक कानून की जानकारी पहुंचे, न्याय सबको मिले, उसी भावना के तहत जो हमारे पीएलवी हैं सजग और सतत प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इनमें ये संदेश दिया गया कि किस प्रकार से आपको किसी व्यक्ति को सामान्य कानूनी जानकारी देनी है एवं जिस व्यक्ति को जिस तरह की सहायता या जो जिस सेवा योजना का पात्र व्यक्ति है उस योजना तक उसको पहुंचाना या किसी भी तरह की उसे विधिक जानकारी चाहिए तो वो मुहैया कराना, इस प्रकार का हमारा पीएलवीज का कार्य होता है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर पूर्व में भी पीएलवी के रूप में 2-3 बार पुरस्कृत नेशनल स्तर पर, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं, ये अत्यंत सराहनीय और अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। और हमें अपेक्षा है कि इस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद ये लोग वापस स्फूर्ति से और पूरी ऊर्जा के साथ अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे और समाज का जो कमज़ोर, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित वर्ग है उसको मैक्सिमम मदद पहुंचाएंगे, जिसमें नालसा रालसा एवं हमारी राज्य सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उन सब तक को पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने का भी भरसक प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और इसी शुभकामना के साथ हमने प्रोग्राम शुरू किया। आज हमारे यहाँ 60 पीएलवीज का ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है जो सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर के शाम को 5 बजे तक चलेगा, जिसमें विभिन्न तरह के, जिसमें आपराधिक न्याय संहिता पे, नैतिकता पे और इनकी कार्यशैली पे, इनके उद्देश्य को लेकर, इनकी भूमिकाओं को लेकर, इनको जो जिज्ञासाएँ होती हैं या जैसे ये लोग जो प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उन सब चीज़ों का यहाँ समाधान किया जाएगा और इनको एक नए तरीके से वापस पुनर ऊर्जावान बना करके और क्षेत्र में पहुंचकर मैक्सिमम से मैक्सिमम ताकि न्याय सबको मिले उसी भावना के तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। कोटेश्वर महादेव पर असामाजिक तत्वों द्वारा लगाए गए ताले से लोग नाराज, आज विश्व हिंदू परिषद ने एडीएम सिटी को ज्ञापन देकर अलवर के थाने में दर्ज करवाया मामला। 250 साल पुराने कोटेश्वर महादेव मंदिर पर किसी असामाजिक तत्वों द्वारा निजी संपत्ति बताकर ताले लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इसलिए आज विश्व हिंदू परिषद ने एडीएम सिटी के पास ज्ञापन दिया और मांग करी कि मंदिर के ताले जल्दी खुलवाए जाए और इस मामले को लेकर अलवर गेट थाने में रिपोर्ट भी दी गई है। 200 साल पुराने कोटेश्वर महादेव मंदिर पर कुछ असामाजिक तत्व डिकोस्टा वगैरह द्वारा अपनी संपत्ति बताकर स्थानीय लोगों को अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने से रोका जा रहा है। विगत 15 दिनों से मंदिर और निजी कुएं पर कब्जा जमा कर ताला लगा दिया गया है। आज हमने एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन देकर अभी अलवर गेट थाने में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और तुरंत उस ताले को खुलवाया जाए और सभी हिंदू समाज को अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने की पूरी छूट है, उसमें कोई किसी प्रकार का विधान नहीं डाल सकता है। इनके विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साहब ने हमको भरोसा दिलाया है और आज ही उस मंदिर के ताले विश्व हिंदू परिषद शिवसेना खुलवाएगी। लेकर आज सिंह राठौर, विश्व हिंदू परिषद महानगर मंदिर। और इसको राम सिंह भाटी ने खरीदा था कम से कम आज से 30-35 साल पहले, उसके बाद इन्होंने दुकानें बनाई, मंदिर हमारे लिए पूजा के लिए उन्होंने छोड़ दिया। अभी इनके जो पिता थे धन सिंह भाटी, उन्होंने मंदिर हमारे लिए पूजा के लिए छोड़ दिया था स्थानीय इंसान, लेकिन अभी इनकी जो पुत्री है जो ऑलरेडी इन्होंने क्रिश्चियन से शादी करी है और स्थानीय मंदिर, ये इसको शिव जी का मंदिर से इनका कोई लेना देना नहीं, इनका तो लेना देना क्रिश्चियनों से है, अब हमारे मंदिरों से क्या लेना देना। लेकिन इसने आज से 15 दिन हो गए इसने मंदिर के ऊपर ताला लगा दिया और कहा ये मेरी स्थानीय प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मंदिर किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, मंदिर किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, आम जन की पूजा की है। जब इसके पापा ने हमारे को छोड़ा, हमारे इतने आज मैं 65 साल की हूँ, 65 साल से मैं उस मंदिर के अंदर पूजा कर रही हूँ, तो अब कैसे इसकी हो गई, उस वक्त कहाँ थी ये। तो ये मेरा कहने का मतलब यह है कि कृपा करके इसके मंदिर का ताला खुलवाया जाए और ये प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी भगवान की है, हकीकत है प्रॉपर्टी तो भगवान की है, अब ना इनकी है ना हमारी है। हम तो पूजा का स्थान है, हम तो भगवान के चरण में जाते हैं, लोग देखते हैं, वापस आ जाते हैं। आज किससे मिल रहे हैं? आज कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम है सीता बिंदौरिया, म्यूनिसिपल हूँ मैं। और इस मंदिर को लेकर आप क्षेत्रवासी मिलने गए थे या क्या जवाब दिया? हाँ, उनसे मिलने गए थे, उन्होंने बोला कि ताला नहीं खोला जाएगा, ये मेरी प्रॉपर्टी है स्वयं की। राजकीय कन्या महाविद्यालय की गायन कक्षा की बालिकाएं पहुंची कलेक्टर के पास अपने एग्जाम में गायन व्याख्याता लीलू व्यास को बैठाने की मांग।
राजकीय कन्या महाविद्यालय की गायन कक्षा की बालिकाएं आज अपनी टीचर के साथ कलेक्टर के पास पहुंची। इनका कहना है कि इनको पूरे साल एक ही टीचर ने पढ़ाया जिसका नाम है लीलू व्यास और अब एग्जाम कोई और टीचर लेने जा रही है जिसकी वजह से बच्चों में फेल होने का डर है, इसलिए आज कलेक्टर के पास गुहार लगाई कि एग्जाम व्याख्याता लीलू व्यास द्वारा ही लिया जाए। दर्शिका शर्मा मेरा नाम है, हम लोग गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से हैं, हम लोग बीए फाइनल ईयर म्यूजिक के स्टूडेंट हैं। एक्चुअली में हमारी क्लास साल भर मैम ने ली है और बहुत प्यार से हमें मैम ने सिखाया है, हमने कभी उन मैम से आज तक क्लास नहीं ली और एटलीस्ट फाइनल में आके हमें बोला जाता है कि हमारे एग्ज़ाम उन मैम के पास आएंगे, जबकि रेणुका मैम एंड मोस्टली बात यह है कि अगर कॉम्पिटिशन्स में भी जब कभी उन मैम ने हमसे प्यार से बात नहीं की तो हम एग्ज़ाम में उनके साथ में बैठना हम वो चीज़ सहन नहीं कर सकते। और मैम सर बात यहाँ आती है एग्ज़ाम्स की, तो जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं प्रैक्टिकल्स तो वहाँ पे हमें सर सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि बाहर इंटरनल के सामने एग्ज़ाम देना इतना ईजीली पॉसिबल नहीं है, तो मैम हमें बहुत इमोशनली मेंटली बहुत सपोर्ट करते हैं कि ये स्टूडेंट साल भर बहुत अच्छे रहे हैं, अगर प्रैक्टिकल्स टाइम पे ठीक नहीं कर पाते हैं तो सर ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत हेल्प की ज़रूरत है। नहीं उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिन मैम के साथ में हमने कभी आज तक क्लास नहीं ली है, कभी उनसे बात नहीं की है और जो मैम आके हमें अगर तुम नहीं आओगी क्लास में यहाँ से एमए नहीं करोगी तो तुम्हें फेल कर देंगे, 36 नंबर मिलेंगे, तो सर हम उनसे एग्जाम क्यों देंगे। नहीं सर मैम नहीं चाहिए, सर बात ये नहीं है, जबकि हमने मैम से साल भर हमने मैम से क्लास ली है तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारे साथ में इस चीज़ में ये अन्याय नहीं हो कि हमारी मतलब इंटरनल मैम हमारे साथ में नहीं बैठे। मेरा नाम दर्शिका। हम लोग सभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने और उनको अवगत कराने के लिए आए हैं, मेरे साथ मेरे प्रिय शिष्य हैं सब, बीए प्रथम वर्ष की गायन की लड़कियाँ और बीए तृतीय वर्ष की, क्योंकि ये सभी बच्चियाँ एक साल से मेरे से सीख रही है और मेरे पास रजिस्टर में सारी ये जानकारी है कि 1 से 6 तक मैंने इनके प्रैक्टिकल लिए हैं, मतलब 6 डेज तो प्रैक्टिकल फुल डे मैं ले रही हूँ और 2-2 दिन इनकी थ्योरी थी तो वो भी ले रही हूँ। ये बच्चियाँ सिर्फ मेरे से सीख रही है और रेणुका जी का उसमें कोई मतलब उसमें उनका कोई हाल नहीं है और उनका कोई वर्चस्व है और वो आवंटित खुद ही करके हमको दे के अब कह रही है कि एग्ज़ाम वो अकेली लेगी, जबकि उनके पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और एमए प्रीवियस और एमए फाइनल है और एमए प्रीवियस को भी मुझे आमंत्रित किया गया और साल भर तक उनको यह कहकर रोका गया कि लीलू व्यास की क्लास में कोई जाएगा तो मैं फेल कर दूंगी। ये बात मैंने प्रिंसिपल साहब को लिखित में दी है जरिए डाक के और ऊपर उच्च अधिकारियों तक भी पहुँचा दिए, परंतु ये मान नहीं रहे हैं। प्रिंसिपल साहब जो कार्यवाहक प्रिंसिपल है वाइस प्रिंसिपल है वो छुट्टी पे थे और अब बताया जा रहा है कि वो कहीं गाँव चले गए, किसी के शादी में गए हैं और एमपी साइड में बता रहे हैं इंदौर में। और उसके बाद जो कन्वीनर आते हैं वो है उमेश भार्गव जी, वो तो कितने दिनों से छुट्टियों में हैं, उनकी बेटी की शादी है तो वो भी नहीं मिल रहे हैं और कन्वीनर जो थे तीसरे उन्होंने भी छुट्टी मार ली है और अब कोई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जिनको हम अपनी ये तथ्यों से अवगत कराएं या हमारा लिखा हुआ उनको दें ताकि ये कह सके कि हमको क्या पता कैसे एग्ज़ाम हो गया। ये अपने छुटकारा लेने के लिए इसे प्लान करके षड्यंत्र करके हमारे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो मैं एक प्रोफेसर के नाते आज तक मैंने किसी कॉलेज में काम किया है मैं होने नहीं दूंगी और मैंने अपनी पूर्ण निष्ठा से जो बच्चों को तैयारी करवाई है तबले के साथ और गायन के साथ, वो हमको तबला तक नहीं दे रही, हमें तबले नहीं दे रही, गायन की वाद्य नहीं दे रही है और हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रहा है, इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और जा रहे हैं और आप सभी से मैं ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी हमारे बच्चों के खिलवाड़ के लिए थोड़ी हमारी सहायता करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे बच्चे हैं इसमें तो 32 बच्चे गायन में तो ये प्रथम वर्ष में और बाकी के 12 बच्चों मैंने सितार में सितार को भेज दिए ताकि सितार भी नहीं उठे, मैंने मोटिवेशन किया, इन्होंने तो बंद करने के रूप में थी, पहले भी इन्होंने बीए एमए बंद कर दिया था और अभी भी इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। इस बार मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा वो सुनते ही नहीं है, इधर से सुनते उधर और हंस देते हैं हो जाएगा ऐसे कहते हैं और मैंने उनको फ़ोन पर कहा तो नहीं ऐसा होगा ही नहीं और दूसरे दिन ही इसने चस्पा कर दिया ये लिख के कि जो लड़कियाँ नहीं आएगी सब की परीक्षाएं मैं लूँगी, लीलू व्यास का उसमें कोई नाम नहीं है, ना मेरे को मौखिक रूप से बताया गया और ना मुझे लिखित में कुछ दिया गया, ना मुझे अवार्ड लिस्ट दी गई। बच्चों को नुकसान होगा क्योंकि बच्चे म्यूजिक में इंटरनल जो होता है वो बहुत सपोर्टर होता है और बहुत रीढ़ की हड्डी होता है, हम बताते हैं कि ये बच्चा साल भर अच्छा गा रहा था आज बीमार हो गया तो उसमें बच्चों की जो ये नंबर कम कर देगी और बच्चे कम नंबर के देने के लिए फेमस आप टीआर देख सकते हैं, बार बार कह रही हूँ ये 36 नंबर देती है और कहती है कि मैं तो फेल कर दूंगी, परीक्षाएं कल से ही है,
कल से इसके हिसाब से, तो कल से, कल और परसों, कल है ये प्रथम वर्ष की गायन की और परसों है तृतीय वर्ष गायन की। ये परेशानी तो शुरू से ही आ रही है सर, पर मुझे ऐसा पता प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये मुझे बिठाने ही नहीं देगी, क्योंकि हर साल मैं बैठती आई हूँ, ये हर साल मैं बैठती हूँ, परंतु मैं लीलू व्यास व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता संगीत गायन, और है ना, मैंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे। ग्रामीण विकास कार्य से कृषि अभियंता को अलग करने पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कृषि अभियंताओं के शिष्टमंडल ने उप मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे पंचायत राज ग्रामीण विकास कार्य में केवल सिविल इंजीनियर्स को ही सम्मिलित किया जा रहा है, जिसे कृषि अभियंता नाराज है, और कलेक्टर से मिल उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नाम ज्ञापन दिया गया और मांग करी गई कि 100 दिन के कार्य में हमें भी सम्मिलित किया जाए। हम लोगों ने सरकार की जो 100 दिवसीय कार्य योजना है उसके अंदर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अंदर RES का गठन होना है, रूरल इंजीनियरिंग सर्विस के नाम से। उसके अंतर्गत सिविल इंजीनियर्स और एग्रीकल्चर इंजीनियर्स काम कर रहे थे पिछले 20 सालों से, लेकिन अभी सरकार ने केवल सिविल इंजीनियर्स को ही उसमें सम्मिलित किया है, जबकि कृषि अभियंताओं के 850 इंजीनियर्स को इससे बाहर कर दिया गया है। इसी संबंध में हमने कलेक्टर साहब को उप मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन अर्पित किया है कि इन सेवाओं में, क्योंकि हमारा पहले ही निर्णय हो चुका है कि 60% कृषि अभियंता और 40% सिविल अभियंताओं को सम्मिलित करते हुए RES का गठन किया जाए, क्योंकि प्रक्रियाधीन है, 100 दिवसीय कार्य योजना है कांग्रेस सरकार की, तो हम भी ये चाहते हैं कि RES गठन के अंदर हमको उचित स्थान मिले। और जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि हम 20 साल काम करने के बाद भी हमें पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से अलग कर दिया गया है, सरकार ऐसा न करें और हम सबको सम्मिलित करते हुए इस सेवाओं का गठन करें, जिससे कि सरकार की जो मंशा है ग्रामीण विकास की, NRM प्लान को, जो कृषि संबंधित जितने भी विकास कार्य हैं वो तभी सफल हो सकते हैं जब कृषि अभियंता इसके सम्मिलित रहेंगे, अन्यथा सरकार की जो मंशा है वो अधूरी रह जाएगी। मैं अध्यक्ष जयसिंह रावत आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को उप मुख्यमंत्री महोदय सचिन पायलट जी के नाम पर। जी हाँ, मैं जयसिंह रावत अध्यक्ष अजमेर चैप्टर। अंग्रेजी शराब की 36 बोतलों के साथ एक युवक गिरफ्तार, सीकर से सूरत ले जा रहा था शराब, JRP थाना पुलिस ने करी कार्रवाई। JRP थाना पुलिस द्वारा प्लेटफार्म पर जांच के दौरान चंडीगढ़ वाली ट्रेन के जनरल डिब्बे में एक युवक संदिग्ध पाया गया, जिसके पास 2 बैग थे, उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 36 अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली जो की हरियाणा निर्मित थी। इस मामले में अनुसंधान जारी है, युवक का नाम संदीप कुमावत बताया जा रहा है। श्रीमान एसआई JRP अजमेर के आदेश अनुसार अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम के लिए हमारा विशेष टीम JRP थाना अजमेर की प्लेटफॉर्म पर नियमित चेकिंग पे थी, तो कल रात को चंडीगढ़ बरांदा ट्रेन के सामान्य कोच में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया, जिसके पास बैग था, 2 बैग तलाशी ली तो 36 बोतल इम्पीरियल ब्लू शराब की मिली जो कि हरियाणा निर्मित थी। उक्त व्यक्ति नीम का थाना सीकर का रहने वाला है, जो सूरत ले जा रहा था शराब को सप्लाई करने। अनुसंधान जारी है, शराब कहाँ से ला रहा था, किन लोगों को आगे सप्लाई करनी थी, इस बारे में अनुसंधान जारी। क्या नाम है? संदीप कुमावत उस व्यक्ति का नाम। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com सच के साथ।